नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं दोस्तों आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि, कि किसी भी केस में न्यायालय में किए गए समझौते के आधार पर प्राप्त डिग्री का भी अब कोई वैल्यू नहीं है कोई कीमत नहीं है दोस्तों आइए अब दोस्तों देखते हैं कि कब न्यायालय में किसी भी केस में जब आप कम्प्रोमाइज़ के आधार पर डिग्री प्राप्त किए हैं तो कब वह वैलिड है और कब वह इनवैलिड है यानी कब उसकी कानूनी मान्यता है और कब उसकी कानूनी मान्यता नहीं है आइए दोस्तों अब इसे देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर क्या कहता है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यायालय में दो पक्षों के में केस होता है न्यायालय में दोनों पक्षों में केस होने के बाद एक स्टेज आता है दोस्तों एट्टी नाइन का दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यायालय में कोई वादी अपना प्लेट के आधार पर केस फाइल करता है और प्रतिवादी जिस पर केस किया जाता है वह न्यायालय में उपस्थित होकर के उसका जवाब देता है जब प्रतिवादी जवाब दे देता है दोस्तों तो एक स्टेज आती है एट्टी का सी का सेक्शन एट्टी यह प्रावधान करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कोर्ट से बाहर में आपस में समझौता कर लें और न्यायालय उसी के आधार आपको डिग्री दे देगा तो दोस्तों आइए जानते हैं कि समझौता की प्रक्रिया क्या है सेक्शन एटी नाइन क्या कहता है दोस्तों सेक्शन एटी नाइन में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी भी न्यायालय में कोई विवाद चल रहा हो तो दोनों पक्षों का यह पूर्ण अधिकार है कि न्यायालय से बाहर आपस में समझौता कर लें और उस समझौता को लिखित रूप में उस केस में प्रस्तुत करें और उसी के आधार पर न्यायालय से डिग्री प्राप्त करें दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय के बाहर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं और न्यायालय में जा के दोनों पक्ष अपना अपना समझौता के आधार पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं और न्यायालय उसी के आधार पर अपना जजमेंट पारित कर देता है तो क्या दोस्तों इस तरह का समझौता न्यायालय में जो किया गया है किसी भी सूट में वो हम मान्य है या नहीं आइए दोस्तों अब देखते हैं ऑनरेबुल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों ऑनरेबुल सुप्रीम कोर्ट में केस का टाइटल है अमरो देवी बनाम जुल्फी राम स्पेशल लिव पिटीशन नंबर चौदह हजार छह सौ नब्बे और दो हजार पंद्रह पंद्रह जुलाई दो हजार चौबीस को एकदम लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों इसी जुलाई महीने में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट पारित किया है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस दोनों के कम्प्राइजिंग बेंच ने इस जजमेंट को पास किया है दोस्तों उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा है दोस्तों इस केस का फैक्ट हम पहले समझ लेते हैं दोस्तों इस केस में ट्रायल कोर्ट में वादी ने अपना एक केस फाइल किया प्रतिवादी उपस्थित हुआ प्रतिवादी अपने लिखित कथन दिया और लिखित कथन देने के बाद दोनों के बीच में कम्प्रोमाइज हुआ दोनों व्यक्ति न्यायालय में गए अपना स्टेटमेंट न्यायालय में एज ए विटनेस एज ए गवाह के रूप में जज साहब से रिकॉर्ड करा दिए जज साहब उसी के आधार पर फैसला सुना दिए फैसला होने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए कुछ दिन के बाद प्रतिवादी जो है वादी के पक्ष में फैसला हुआ था कम्प्रोमाइज़ के आधार पर प्रतिवादी ने वादी के जमीन पर कब्जा करना शुरू किया तब वो आबादी जो पहला केस प्रतिवादी के विरुद्ध में किया था वह न्यायालय में गया और प्रतिवादी के विरुद्ध पहले केस के आधार पर इंजेक्शन की मांग करने लगा दोस्तों यह केस ट्रायल कोर्ट में फाइल किया गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध हमें इंजेक्शन दिया जाए क्योंकि पहला केस में हुए कम्प्रोमाइज को प्रतिवादी मानने से इनकार करता है ट्रायल कोर्ट ने पहले केस के रिकॉर्ड को खंगालते हुए देखा कि उस केस में कोई लिखित समझौता नहीं किया गया था दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं किसी भी केस में लिखित समझौता करने का प्रावधान है पहला कोर्ट से आप बाहर समझौता करें दूसरा कि समझौता लिखित रूप से किसी दस्तावेज में लिखा जाए उस कम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट को या उस समझौता पत्र को न्यायालय में फाइल कर दिया जाए उस केस में फाइल कर दिया जाए और उसी के आधार पर डिग्री प्राप्त किया जाए उस समझौता पत्र में दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं दोनों पक्षकारों के दस्तखत होते हैं अगर दोनों पक्षकारों में किसी एक पक्षकार ने भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया या दस्खत नहीं किया तो कम्प्रोमाइज़ नहीं माना जाता है दोस्तों इस अमरो देवी बनाम जुल्फी राम वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी का ऑर्डर ट्वेंटी के अनुसार कंप्रोमाइज फाइल करने के लिए एक ही प्रक्रिया है कि कंप्रोमाइज लिखित रूप में फाइल किया जाए उसमें दोनों पक्षों के शर्त को उल्लेख किया जाए साथ ही साथ दोनों पक्ष उस पर दस्तखत करें अगर दोनों पक्ष अपना दस्तखत नहीं करते तो फिर कंप्रोमाइज नहीं माना जाएगा और जब न्यायालय के अंदर में दोनों पक्षों के द्वारा लिखित कंप्रोमाइज पिटीशन को दाखिल कर दिया जाएगा दोनों पक्ष उस पर दस्तखत कर देंगे तब न्यायालय दोनों पक्षों का कंप्रोमाइज के आधार पर बयान रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद न्यायालय अपनी फैसला सुना देंगे दोस्तों चूँकि पहला केस जो था दोस्तों वादी का जो पहला केस किया था प्रतिवादी पर उसमें वादी ने कोई लिखित समझौता न्यायालय में नहीं दिया था सिर्फ अपना बयान और प्रतिवादी का बयान कम्प्रोमाइज़ पर लिखवाया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते हुए कहा कि ऑर्डर ट्वेंटी थ्री के अनुसार इस तरह का समझौता मान्य नहीं है अतः पहला केस में जो फैसला हुआ था वह मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि उसमें लिखित रूप से कोई डॉक्यूमेंट बना करके कम्प्रोमाइज का न्यायालय के इस केस में दाखिल नहीं किया गया था तो दोस्तों इस तरह से आप भी समझ जाएँ कि जब आप लोग का विवाद किसी न्यायालय में चल रहा हो सिविल विवाद अगर उसमें आपको कंप्रोमाइज़ करना है तो निश्चित तौर पर दोस्तों दोनों पक्ष आपस में बाहर में समझौता करें उस समझौता को एक लिखित दस्तावेज़ में परिणत करें उस लिखित दस्तावेज पर दोनों पक्ष अपना अपना हस्ताक्षर करें और तब उसे न्यायालय में अपने केस में प्रस्तुत करें दाखिल करें और वहाँ पर अपना अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ और उसके बाद जो भी फैसला न्यायालय का कम्प्रोमाइज़ के आधार पर होगा यही फैसला मेंटेनेबल है यही फैसला मान्य है वरना अन्य कोई फैसला कम्प्रोमाइज़ के आधार पर मान्य नहीं होता है दोस्तों तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों आज के केस के टाइटल के अनुसार कि कौन सा ऐसा कम्प्रोमाइज डिग्री है जो मान्य नहीं है और कौन कम्प्रोमाइज डिग्री मान्य है तो धन्यवाद दोस्तों यही पर मेरा वीडियो सम्पन्न हुआ अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें हाँ दोस्तों शेयर और कॉमेंट करना न भूलें धन्यवाद अभिषेक अगले वीडियो में